नमस्कार, मैं दिव्या धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में युद्ध और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद की पृष्ठभूमि में यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों के विरुद्ध एक साथ मिलकर आवाज उठाने की जोरदार पैरोकारी की और कहा कि किसी भी तनाव और विवाद का समाधान वार्ता के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और सभी देशों की संप्रभुता व क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आह्वान भी किया। पीएम मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण के लिए पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री जेम्स मारोपे ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारोपे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारोपे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी की। पीएम मोदी 14 प्रशांत द्वीप देश शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम रविवार को डाउन हो गया, जिससे लेकर 1,80,000 से ज्यादा यूजर्स ने आउटेज के पिक पर पहुंचने को लेकर शिकायत की। मेटा प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के मुताबिक कंपनी को पता चला कि रविवार को कुछ लोगों को ऐप तक पहुंचने में परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर लोगों ने बड़ी संख्या में शिकायत दर्ज करवाई। हालांकि कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया कि प्रभावित यूजर्स की संख्या क्या है। व्हाट्सएप कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक और शानदार अपडेट लेकर आ रहा है। मेटा स्वामित्व वाले व्हाट्सएप कथित तौर पर एक नए फीचर स्टिकर मेकर टूल पर काम कर रहा है। यह फीचर टूल्स यूजर्स को iOS पर ऐप के भीतर ही स्टिकर बनाने की सुविधा देगा। कोरोना संक्रमण की रफ्तार भले ही थम चुकी है, लेकिन इसके संक्रमण की मार से सिकुड़े मरीजों के फेफड़े करीब 1 साल बाद भी ठीक नहीं हो पा रहे हैं। बता दें कि बीते 1 साल के दौरान कोविड की चपेट में आए मरीजों की सिटी स्कैन जांच में यह समस्या देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का चीन को विरोध करना भारी पड़ गया। भारत की ओर से चीन को अब इसका कड़ा जवाब दिया गया है। G20 पर उठ रहे सवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताइवान और साउथ चाइना से विवाद का जिक्र कर ड्रैगन की बोलती बंद करने का काम किया है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज 2,000 रुपए के नोट पर बंद किए जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान दास ने कहा है कि नोट बदलने के लिए अफरा तफरी ना करें। उन्होंने बताया कि 2,000 रुपए के नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर पर रहेंगे। लोगों के पास 2,000 रुपए के नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय है। दास ने यह भी कहा कि 2,000 रुपए के नोट बंद करने का फैसला क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने BBC की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि BBC की डॉक्यूमेंट्री ने भारत और इसकी न्यायपालिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिष्ठा पर भी धब्बा लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स को ऑपरेशन के तीसरे शिखर सम्मेलन में दुनिया के विकसित देशों को खरी खरी सुनाई। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर गए पीएम मोदी ने सोमवार को इस बैठक के दौरान ग्लोबल साउथ के मुद्दे पर कहा कि जिन्हें हम अपना विश्वसनीय मानते थे, पता चला कि वो जरूरत के समय वो हमारे साथ नहीं खड़े थे। दिल्ली में चल रहे महिला पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने निजी सचिव संजीव सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गोंडा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अपने नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो चुके हैं। वो एक मिनट भी नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाली एकमात्र मुस्लिम महिला विधायक कनीज फातिमा ने दावा किया है कि कांग्रेस हिजाब पर लगा बैन हटा देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हिजाब पर लगे बैन और मुसलमानों को मिलने वाले आरक्षण को वापस लाने का प्रस्ताव पास होगा। साइबर फ्रॉड के नाम से बदनाम झारखंड का जामतारा जिला इन दिनों फिर से एक बार चर्चा में है। इस बार जामतारा अपनी करतूतों की वजह से नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे आम की खेती की वजह से चर्चा में है। इस आम की कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है। यह आम भी एक दुर्लभ प्रजाति है जिसका नाम है मिजायकी। इसकी खेती से शुरुआत जापान में हुई थी, लेकिन अब झारखंड के जामतारा में भी 2 सगे भाइयों ने इसकी खेती की शुरुआत की है। झारखंड का जामतारा कभी साइबर अपराधियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में राष्ट्रीय राजधानी के आसपास के क्षेत्रों ने इसे पीछे छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक NCR बेल्ट साइबर अपराधियों का नया केंद्र बनकर सामने आया है। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 सालों में देश में सबसे अधिक साइबर अपराध राजस्थान के भरतपुर जिले से हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान का अलवर, UP में मथुरा और हरियाणा में नूंह भी सबसे ज्यादा साइबर अपराध वाले शहरों में शामिल है। कश्मीर पूरी तरह से बदल चुका है। बीते 4 वर्ष में जो बदलाव आया है वह अब यहाँ के आबोहवा में भी असर कर चुका है। बीते 33 वर्षों में पहली बार कश्मीर में विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के सरकारी आगमन पर बंद या हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, बल्कि हर कोई इस पल को देखने को बेताब है। श्रीनगर दुल्हन की तरह सजा है। जगह जगह विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए पोस्टर व बैनर नजर आ रहे हैं। पंजाब के एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 पिस्टल और 26 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है और उनके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
बता दें कि इस मामले को लेकर भी उन पर FIR दर्ज कर ली गई है। दिल्ली के जिस स्कूल में रविवार को छात्रों ने जय श्री राम बोलने पर खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, उसकी वेबसाइट हैक हो गई है। हैकरों ने पूरी वेबसाइट का बैकग्राउंड रंग भगवा कर दिया था। वेबसाइट पर बड़े बड़े अक्षरों में जय श्री राम लिख दिया गया है। इसी के साथ भगवान राम की कई तस्वीरें भी स्कूल के होम स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। खास बात यह कि इस हैकिंग की जानकारी स्कूल को भी नहीं थी। हालांकि थोड़े समय बाद ही स्कूल प्रशासन ने इसमें सुधार कर लिया। 18वीं सदी के अब उत्तरार्ध में भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति बहुत खराब थी। पूरा देश पुरानी लेकिन गलत कुरीतियों से लिपटा हुआ था और यहां तक कि धार्मिक तौर पर भी लोगों में भारी अज्ञानता और गलत परंपराओं के बंधन में जकड़े हुए थे। ऐसे में राजा राम मोहन राय एक तरफ से मसीहा बनकर आए और उन्होंने समाज सुधार के लिए कई असंभव लगने वाले कार्य किए और उन्हें कई विरोधों का सामना भी करना पड़ा। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पहला प्रमुख समाज सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। उन्हें देश में सती प्रथा और बाल विवाह को खत्म करवाने के लिए उनके विशेष योगदान को जाना जाता है। आज 22 मई को उनकी जयंती है। जम्मू कश्मीर में सोमवार से शुरू हो रहे G20 समिट बैठक से ठीक पहले प्रशासन ने कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। सुरक्षा कारणों के चलते G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का अब गुलमर्ग दौरा रद्द कर दिया गया है। विदेशी मेहमानों की यात्रा के शेड्यूल में पहले उत्तर कश्मीर के गुलमर्ग स्थित फेमस स्की रिजॉर्ट और दाचीगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने का कार्यक्रम तय था। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सूत्रों के अनुसार 26/11 जैसे आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद यह बड़ा कदम उठाया गया है। पीएम मोदी 28 मई को संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि नए भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। IPL 2023 का लीग स्टेज खत्म हो गया है। बता दें कि इस लीग स्टेज को गुजरात, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मुंबई NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को मुंबई हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे SC ने समीर वानखेड़े से जुड़े रिश्वतखोरी केस में कार्रवाई के खिलाफ अंतरिम संरक्षण 8 जून तक बढ़ा दिया है। कर्नाटक में कांग्रेस की नई सरकार के शपथ के बाद आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, जहां विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। विराट कोहली के घुटने में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच IPL मैच के दौरान चोट लग गई। वह मैच के आखिरी समय में मैदान पर नहीं थे। WTC फाइनल से पहले कोहली को ऐसी चोट लगना टीम इंडिया के लिए बड़ा झटका है। हालांकि RCB के हेड कोच संजय बांगर ने कहा है कि यह चिंताजनक नहीं है। RCB अंतिम लीग मैच में गुजरात से 6 विकेट से हारने के कारण IPL से बाहर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी में अपनी यात्रा पूरी कर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। वह सिडनी जाएंगे। अपने इस दौरे में पीएम मोदी सिडनी में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 2000 रुपए के नोट से जुड़ा मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा गया है कि 2000 नोट के बिना किसी मांग पर्ची और पहचान प्रमाण के मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी करता है। याचिका में RBI और SBI को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा करवाए जाए, ताकि कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके। साथ में कालाधन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों को आसानी से पहचान हो सके। BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से यह याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें सफदरगंज अस्पताल में लाया गया है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन को गिरफ्तार किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि आम लोगों को काउंटर पर 2000 रुपए के नोट बदलने की सुविधा पहले की ही तरह सामान्य तरीके से दी जाएगी। कल से यानी किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपए के नोट बदले जा सकेंगे, लेकिन इसकी सीमा 20,000 रुपए तक ही होगी। पीएम मोदी को फिजी के PM की ओर से वैश्विक नेतृत्व को देखते हुए फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। फिजी का सर्वोच्च सम्मान अब तक कुछ ही गैर फिजी लोगों को मिला है। अरुणाचल प्रदेश में म्यांमार के साथ सुबह 8:15 पर भूकंप आया था और इसके करीब आधे घंटे बाद असम में भी भूकंप आया। असम के तेजपुर में सुबह 8:52 पर 3.2 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 4.5 की तीव्रता का भूकंप आया था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह पर लगे स्टॉक हेरफेर और लेखा धोखाधड़ी के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 6 कंपनियों की ओर से संदिग्ध व्यापार देखा गया है। ये कंपनियां अडानी समूह के शेयरों में संदिग्ध ट्रेडिंग के लिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी होने से पहले से जांच के दायरे में है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद साकिर हुसैन और जितेंद्र ठाकुर। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप में से कितने लोगों ने शाही लीची का स्वाद चखा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।